दोस्तों जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी,
लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 पर होगी, यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधें। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है, तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।